हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो EISSM का पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा। अभी मैंने पेपर देखा एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी आफ्टर सीइंग द पेपर। मुझे बहुत सारे फीडबैक भी आ रहे हैं जिसको मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका भी अच्छा है। हर पेपर में एक आध दो क्वेश्चन तो डिफिकल्ट ऐसे डाल दिए, और वो तो प्रोफेशनल एग्जाम है तो ऐसा तो होने वाला, और आपको भी एक आध दो क्वेश्चन डिफिकल्ट आए होंगे। डोंट वरी अबाउट इट, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। MCQs है और इतना कुछ आपने अच्छे से किया। कुछ क्वेश्चन तो इतने डायरेक्ट थे, मतलब मुझे लगता है कि हमने MCQ को छोड़कर अगर 70 मार्क जो देखते हैं उसमें से 50 मार्क के क्वेश्चन तो इट वॉज सो डायरेक्ट, उसमें गलती होने का स्कोप ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अब बारी है FMEECO की। दोस्तों FMEECO ये सिलेबस जो है इसमें इट इज़ द लास्ट पेपर, और यही एक लास्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, जहाँ पे यू कैन यू नो, कहीं हो सकता है कि हमने किसी पेपर में गलत कुछ हुआ होगा या फिर हमसे कोई मिस्टेक हुई होगी और आपको लगता है कि हमारा टारगेट नहीं हो सकता या एग्रीगेट नहीं हो सकता, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू मेक योर एग्रीगेट। आप पूरी जान लगा दो, अगर आप चाहते हो कि आने वाले 2 महीने आपके शांति से गुजरे, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन इतना ज़्यादा पड़ा, गिव यू 100%, आप कोई मिस्टेक नहीं। हमें टारगेट करना है कि हमें FMEECO के 60-70+ लाना है ताकि हमारा एग्रीगेट का प्रॉब्लम ना आए। FMEECO सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात है इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोर आता है, यू कैन इजीली स्कोर 70-80+, बहुत बच्चों को आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज क्या करना है। आज हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, रात को 12 बजे से पहले खत्म कर देना है। इकोनॉमिक्स में याद रखें क्वेश्चन पेपर जो आता है उसमें 1-2 या 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि पेपर बहुत ही आसान है। जब आप इसकी पढ़ाई करते हो तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, बट द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क इन द एग्जामिनेशन वो बहुत ही ईजी पूछते हैं। सो आप जब भी कभी कुछ डेटा पढ़ रहे हो तो उसके इतने गहराई में मत जाइए, उसका बहुत ज़्यादा अगर हम लोग पढ़ते तो ऐसा लगता है बहुत कुछ कितना याद रखेंगे। वैसे क्वेश्चन नहीं आते, दे आर आस्किंग मोर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड, डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है। बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, पर कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन में याद होना जरूरी है। अगर आपको मैं एडवाइस करता हूँ दोस्तों, मेरा एक लेक्चर है 5 घंटे का जिसमें पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज हुआ है। आप चाहते तो 1.5 स्पीड में लगा के पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज करेंगे। जब भी आप इकोनॉमिक्स को रिवाइज करते हैं तो आपको याद रखना है कि बिफोर यू स्टार्ट एनी चैप्टर आपको उसके समरी से, आपको उसके चार्ट से पूरा के पूरा उसके चार्ट से आपको क्या करना है, वो चैप्टर को समझना है। उसके बाद दूसरी आती है FM की। कल सवेरे से लेकर रात को 12 बजे के पहले आपका पूरा FM हो जाना चाहिए। उसमें आपको FM रॉक्स का इस्तेमाल करना है। FM रॉक्स के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आज कल कोई भी हालात में आपको यू हैव टू मेक श्योर यू सॉल्व एंटर FM रॉक्स। अगर आप इसमें रॉक्स नहीं तो जस्ट मेक श्योर एनी हाउ एनी केस जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आप सारे के सारे वैरायटी के प्रॉब्लम्स को आपने टच करना चाहिए। सॉल्व कुछ करना है नहीं करना है वो डिपेंड करता है, बट जस्ट मेक श्योर फॉर्मेट की प्रैक्टिस आपकी होना चाहिए। मैंने हर चैप्टर के बाद में आपको लिखवा कर दिया है कि कौन से क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आपको देखना है FM रॉक्स के साथ में। परसों का दिन आएगा, आपको फॉर्मूला सारे याद होना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से, और हमने फॉर्मूला को समझा है, आपको रिटेंशन बिल्कुल आएगा, रिकॉल जरूर होगा। यकीन माने हमने FM को बहुत प्रैक्टिकली पढ़ा है, सब कुछ याद आएगा। उसके बाद में परसों के दिन आपको सारे फॉर्मेट को रिकॉल करना है, और एक बार सारे के सारे जितने भी हमने हर चैप्टर के बाद में जो समरी दी है उसको एक बार रिकॉल करना है। FM के साथ साथ में आपको इको के भी कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है, मैं बोल रहा हूँ रिकॉल करना है। जस्ट हैव टू सी द क्वेश्चन एंड रिकॉल द आंसर, सी द क्वेश्चन रिकॉल द आंसर, सी द क्वेश्चन, सिर्फ फटाफट रिकॉल कर रहा है, ऐसा है तो क्या करना है, वैसा है तो क्या करना है, ये सारा काम आपको परसों के दिन करना है। मेक श्योर यू आर कंप्लीटिंग टुडे इकोनॉमिक्स, टुमारो FM, और परसों के दिन आपको पूरा के पूरा आराम से सारी चीज़ें एक बार फिर से रिकॉल करना है। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। हर चीज़ सॉल्व करने के चक्कर में जाकर अपनी बजा कर मत लो, आप कल सिर्फ आपको रिकॉल करना है, मुझे याद हो रहा है, अब सॉल्व करके देखने का वक्त नहीं है। डोंट वरी, स्टे कॉन्फिडेंट, हम लोग डटे हैं, बिल्कुल आखिरी पेपर है। यू शुड फील दैट कि अभी 2 महीने की पूरी छुट्टी लगने वाली है। हो सकता है जो लोग इंटर पास हो जाएंगे उनको 3 साल के बाद में अगला एग्जामिनेशन आने वाला है। सो दोस्तों पूरी जान लगाएंगे ESSM में क्या हुआ, पिछले पेपर में क्या हुआ, डू नॉट थिंक एनीथिंग अबाउट इट। आपको बस एग्जामिनेशन की बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी एग्जामिनेशन भी खत्म हो रही है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।